आज हम नया टॉपिक अध्याय 15 अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जानते होंगे या सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे या समझे भी होंगे कि प्रजनन से जीव अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, यानी प्रजनन के द्वारा नए जीव उत्पन्न होती है। जैसे बबूल का जो पेड़ है, उस बबूल के पेड़ से बबूल का ही बीज और बबूल जैसे पौधे और पेड़ ही उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार बकरी से बकरी का बच्चा और मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा उत्पन्न होगा या पैदा होगा। यानी जीवों के गुणों में अपने माता पिता के या माता पिता से जो समानता के साथ साथ कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं, तो जीव में समानता एवं विभिन्नता सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म। तो आप देखे होंगे या अनुभव करना और अपने घर में इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। जैसे आप चार्ट बनाना, उसमें क्रमांक ध्यान सुनेंगे, क्रमांक एक टेबल, फिर लक्षण, उसके बाद स्वयं का जो लक्षण दिखाई दे, स्वयं माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई बहन। फिर उसमें क्रमांक में आप देखेंगे कि आँख की पुतली, मान लो एक उदाहरण स्वरूप है, अपनी आँख की एक पुतली देखते हैं, तो आपके आँख की जो पुतली है स्वयं कैसे है, काली है या भूरी है या हरी है या अन्य रंग, वो रंग लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो मेरे आँख की जो पुतली है काली भूरी नीली है, इनमें से किसी कोई एक रंग है, वह माता स्वयं का है तो माता से मिलता है या पिता का या नाना का दादा का दादी का भाई बहन किससे मिलता है, ये समझेंगे। वैसे ही अपना खुपड़ी देखना, उसमें गड्ढा है कि नहीं है, फिर आपके माता पिता इनमें से किससे समानता रखता है, फिर जीभ का गोल मुड़ना, उसमें आपका जीभ गोल मुड़ता है कि नहीं, फिर आपके माता पिता नानी नाना दादी दादा, फिर कर्णपल्ली को देखना, कान के जो ये जो पिन्ना है कर्णपल्ली, ये क्या है कि जुड़ा हुआ है कि स्वतंत्र है, ये किससे मिलता है जुलता, ये देखना। पैर की दूसरी अंगूठी को या उंगली को देखना, जैसे अंगूठे बड़ी अंगूठे छोटी, वो माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई बहन किससे मिलता जुलता, इस प्रकार से अनेक आप समानताएँ देख सकते हैं, उसमें भिन्नता। तो आपके जो लक्षण है आपके माता पिता में किससे मिलता है या नानी नाना दादी दादा भाई बहन किससे मिलता है, ये आप उससे समझ सकते हैं, ठीक। फिर आप देखेंगे कि जो लक्षण है आपके पूर्वजों से आप तक पहुँचे हैं, इस प्रकार लक्षणों किसी न किसी से वो लक्षण मिलता जुलता रहेगा और कुछ भिन्नता कुछ नया आया होगा। तो इस प्रकार लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना अनुवांशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। यानी जो लक्षणों का पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहुंचता है वो अनुवांशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। सारणी में आपने देखा होगा या देखेंगे कि आपके परिवारजनों में नहीं है पर आप में है कुछ लक्षण। इसी प्रकार एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे भिन्नता कहते हैं। यानी कुछ समानता के साथ साथ आप में कुछ न कुछ उनसे भिन्नता होगा, ठीक ही अंतर होगा, ये भिन्नता है। तो इसके बारे में अध्याय में भी हम लोगों ने कुछ अध्ययन किए हैं। इसमें फिर देखते हैं जो समानता और भिन्नता है वो जंतुओं में, ठीक। तो जंतुओं में आप अपने स्वयं में देखे होंगे, इसके बाद क्या क्या जंतुओं में समानता या भिन्नता दिखाई देती है आप अपने स्वयं से देख लिए कि आपका जो लक्षण है आपके माता पिता दादी दादा नानी नाना भाई बहन किससे मिलता जुलता है और उससे कुछ अंतर है क्या। इसके बाद पौधों में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार के कई समानताएं भी भिन्नताएं होती है। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं, जैसे पत्तियों का आकार, फूलों की संरचना आदि एक जैसी होने के बावजूद कई भिन्नताएँ होती हैं, जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियाँ ढूंढ नहीं पाते, ठीक। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे बीजों में देखेंगे, फूलों में देख सकते हैं, फलों में भी देख सकते हैं, तो तरह तरह की समानता भी है उसमें, भिन्नता भी जीवों में। इसके बाद हम देखते हैं
कि अनुवांशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन में कि गुणों के एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक पहुंचने के प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। तो हमने इसमें पढ़ा, अध्याय में भी पढ़े हैं कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया, मगर वे लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने के प्रक्रिया को नहीं बता पाए। तो डार्विन और उनके समय के कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, जिनमें ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन्स मेंडल है, इसको अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल है, इस पर बहुत व्यापक अध्ययन किए और उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ में पादरी थे, उन्होंने बचपन से ही बागवानी में रुचि थे उसको बचपन से ही, और वे अपने मठ के बगीचा जो थे तो उस बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते और उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 है तो सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचों में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। तो इसके बाद फिर कई अन्य पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उसका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पति विधियों के साथ साझा करते थे। वे इस दिशा में किए गए अन्य वैज्ञानिकों जैसे डार्विन के प्रयोग के विवरण को पढ़ते और उनका विश्लेषण करते। इसके साथ साथ गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचने की प्रक्रिया समझने के लिए मेंडल के जो प्रयोग से हमें कई जानकारियाँ मिली। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने व उनकी पुष्टि के लिए गणितीय गणनाओं को भी सम्मिलित किया। तो इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग इस प्रकार किए। फिर देखते हैं मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य क्या। तो मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य कि मेंडल कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो सामान्य रूप से विषम लक्षणों, यानी मटर के जो पीले और हरे रंग के बीज, समझेंगे इसको, मटर के विषम लक्षण, यानी मटर के जो पीले और हरे रंग के बीज, बैंगनी और सफेद फूल आदि के अनुवांशिक की जो है के लिए लागू हो सके। साथ ही वह यह भी प्रयास कर रहे थे कि यह अनुमान लगाया जाए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों में कितनी भिन्नताएं होती हैं, ठीक, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की कितनी भिन्नताएं। के साथ मेंडल ने इसके लिए पहले तो मधुमक्खियों का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने जंतुओं को छोड़कर पौधे पर प्रयोग करने लगे क्योंकि पौधों को संभालना आसान था, ठीक। तो उन्होंने मटर के पौधों को चुना, तो मटर के पौधों को चुनना उनका चुनाव किया, उसका कारण क्या था कि मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था मेंडल का। तो पहला कारण ये था कि मटर एक वर्षीय पौधा है जिसका जीवन चक्र छोटा होता है, बहुत कम समय उसका, इसी कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ये आसान और सरल हो सका, तो इसलिए उन्होंने चुना। दूसरा है इसमें पर परागण कराया जा सकता है जिसे संकरण होता है, यानी मटर के एक पौधे का जो नर सर है संकेसर उसको दूसरे पौधों के साथ संकरण कराना, निषेचन कराना, ये कराया जा सकता था पर परागण। उसके बाद तीसरा कारण है सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता था, स्वपरागण भी होता था निषेचन होता था, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक जो लक्षण है वो शुद्ध बने रहते थे, स्वपरागण है पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने। चौथा कारण इसका पौधे द्विलिंगी होता है और इसमें उमंग को हटा दिया जाए तो एक लिंगी के समान व्यवहार कर रहा होता है, उसके जो उमंग है नर के उसको हटा दिया जाता है एक लिंगी के समान कार्य करने लगता है। और पांचवा कारण है संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते थे, यानी जनन योग्य। और छठवां कारण है मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण ये होते थे। तो मेंडल ने ये कारण के आधार पर ही जो मटर के पौधे हैं उसको चुना, ठीक। उन्होंने देखा
कि कुछ लक्षण है जैसे स्पष्ट विपरीत लक्षण, यानी मेंडल द्वारा चुने गए मटर के विपरीत लक्षण ये बताया कि बीज का जो आकार है जैसे गोल बीज और झुर्रीदार बीज, गोल बीज झुर्रीदार बीज, बीज का रंग में पीला रंग और हरा रंग, पुष्प का रंग बैंगनी रंग और सफेद रंग, इसी प्रकार फली का आकार है तो फली का आकार फूला हुआ या फूली हुई और उसका विपरीत लक्षण है संकीर्णित, उसके फली का रंग जैसे हरे फल है और पीली, पुष्प की स्थिति में कक्षस्थ एक्सियल और अग्रस्त टर्मिनल, इसके पौधों की लंबाई को चुना, एक पौधे की लंबाई लंबा यानी टाल और दूसरा ड्वार्फ यानी छोटा या बौना, ये उनके चुनना का कारण रहा। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था की, वे किसी प्रयोग में परपरागण होने देते थे तो किसी में प्रयोग में स्वपरागण, परपरागण में बने बीज यानी संकर बीजों का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते, हर बार जब बीज बनते तो उन्होंने गिनते और उनमें से कुछ बीज गिनकर बोते, वे इससे बनने वाले पौधे और उनके कुछ गुणों का लेखा जोखा भी रखते थे। तो इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग में अलग अलग विपरीत लक्षण है लक्षण इसका चुनाव किया और प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेंडल के प्रयोग के परिणाम जैसे बैंगनी व सफ़ेद फूल वाले पौधे के साथ प्रयोग के संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।